दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्मों की खूबसूरत अदाकारा और डांसर बिंदिया को 1977 में फिल्म यादों की बारात की शूटिंग के दौरान शाहनूर स्टूडियो के दफ्तर में किसने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वो जान बचाने के लिए किस तरह बग़ैर लिबास के स्टूडियो में चीख चिल्लाती भागती रही, किस मशहूर पाकिस्तानी फिल्म हीरो ने एक फिल्म के लिए बिंदिया को कई साल तक अपनी रखेल बनाकर रखा और फिर अपने दोस्तों को भी उसके कमरे में बेचता रहा। यह तमाम कहानी सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। दोस्तों, फिल्म लाइन से वाबस्ता अफराद जानते हैं कि फिल्म और शोबिस की चक्काचूंद रोशनी के पीछे अंधेरे ही अंधेरे और यहाँ खास तौर पर खवातीन अदाकारों के लिए कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है और फिल्म हासिल करने के लिए उन्हें हिदायतकारों और फिल्म साजों हत्ता के उनके दोस्तों और चमचों को भी खुश करना पड़ता है। सत्तर और अस्सी की दहाई की मशहूर अदाकारा बिंदिया एक आला तालीम याफ्ता अदाकारा थी जिसने इंग्लिश में एमए किया हुआ था। बिंदिया के खानदान का ताल्लुक कोलकाता से था। उनके वालिद हिंदू जबकि वालदा पंजाबी मुसलमान थी। बाद में उनका खानदान हिजरत करके लाहौर आ गया जहां बिंदिया की वलादत हुई। बिंदिया की बड़ी बहन एक न्यूज़कास्टर थी, इसलिए अमली जिंदगी का आगाज बिंदिया ने भी इंग्लिश खबरें पढ़ने से किया। उसके दो भाई आला सरकारी ओहदों पर फाइज थे। बतौर न्यूज़कास्टर बिंदिया को अपने कैरियर मुतासर को नजर नहीं आया, इसलिए उसने शो बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला किया। वहीद मुराद बिंदिया के आइडियल हीरो थे और उनके साथ काम करना बिंदिया का ख्वाब था। बाद में कई फिल्मों में जैसे वादे की जंजीर, बहन भाई, सहेली में उसने वहीद मुराद के साथ काम किया। 1977 में बिंदिया को पहली बार मशहूर हिदायतकार हसन तारिक ने अपनी फिल्म बेगम जान में एक छोटे से रोल में कास्ट किया। इसी साल सुपरस्टार आसिफ खान ने बिंदिया को अपनी फिल्म यादों की बारात में कास्ट किया। इस फिल्म की तमाम कास्ट पश्तो फिल्म की थी जिनमें आसिफ खान, यास्मीन खान, अमान निमी वगैरह शामिल थे। इस फिल्म के हिदायतकार पश्तो फिल्मों के लेजेंड डायरेक्टर मुमताज़ अली खान थे। कहते हैं कि चूंकि इस फिल्म की तमाम शूटिंग शाहनूर स्टूडियो में हुई थी, इसलिए फिल्म में कास्ट करने के बदले आसिफ खान ने बिंदिया को अपनी रकेल बना लिया था और वो आसिफ खान के साथ शाहनूर स्टूडियो के दफ्तर में रातें गुजारती थी। चूँकि बिंदिया खुद भी एक आज़ाद ख्याल लड़की थी और उसके कई और स्कैंडल्स भी मशहूर थे, इसलिए यह सूरत हाल देख कर कई और लोग भी बिंदिया की तरफ मुतवज्जे होने लगे और उन्होंने आसिफ खान से मुतालबा किया कि वो बिंदिया को उनके साथ भी जिस्मानी ताल्लुक रखने के लिए मजबूर करे। कहा जाता है कि आसिफ खान ने अपने दोस्तों से कहा कि जब वो स्टूडियो के दफ्तर आए तो वो जाकर उसे पकड़ ले। और यूं एक दिन जब सूरत हाल से बेखबर बिंदिया स्टूडियो के दफ्तर गई तो चंद बाअसर अफराद ने दफ्तर की कुंडी लगाकर बिंदिया के साथ ज़बरदस्ती की, जिसमें न सिर्फ बिंदिया की इज्जत लूट ली गई बल्कि उसके कपड़े भी तार तार हो गए। और जब वो चीख चिल्लाती जान बचाने के लिए दफ्तर से बाहर भागी तो उसके तन पर कपड़े तक नहीं थे और बाहर सैकड़ों लोगों ने उसे बगैर कपड़ों के स्टूडियो में भागते देखा और चंद लोगों ने उसे डामने के लिए अपने चादर उस पर डाल दिए। ये वक्त बिंदिया के कैरियर का इब्तदाई दौर था और इस वाकये ने उसके कैरियर को बर्बाद करके रख दिया और इसके बाद वो फिल्मों में सानवी किरदारों और डांसर से आगे न बढ़ सकी। अगरचे उसने वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद सुल्तान रही जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन वो कभी टॉप हीरोइन न बन सकी। अलबत्त इतना ज़रूर हुआ कि उस पर पिक्चराइज होने वाले एक सरगीत सुपर हिट साबित हुए। इसके बाद भी बिंदिया की बेबाकी और बोल्डनेस में कोई फ़र्क नहीं आया और उसका नाम कई अफराद के साथ लिया जाता रहा जिनमें अदाकार नबील सरफेहरस्त थे, जिसने दुआ और हालिया बुलबुल ड्रामे से बहुत शोहरत हासिल की है। बिंदिया ने कई शादियां की लेकिन नाकामी से दो चार हुई और अब उम्र रसीदा बिंदिया का कैरियर ख़त्म हो चुका है और वो अपने बेटे के सहारे ज़िंदगी गुजार रही है।